आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। देखिए, केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार के अंतर्गत समस्त मंत्रालयों तथा विभागों का सामूहिक नाम या जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्रिटिश काल में इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट कहा जाता था, यानी अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारत सरकार केंद्र सरकार के अधीन समस्त मंत्रालयों तथा विभागों का सामूहिक नाम या सामूहिक नाम की जो व्यवस्था या जो निकाय है उसे केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि वर्तमान केंद्रीय सचिवालय रूपी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही प्रारंभ हो चुकी थी, और ब्रिटिश काल जब आया तो इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सचिवालय की विशेषताएं। देखिए, भारत में केंद्रीय सचिवालय की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। प्रथम है, केंद्रीय सचिवालय ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन है जो सतत परिवर्तित होता रहा है। दूसरा, भारतीय प्रशासनिक तंत्र का सर्वोच्च एवं विशाल संगठन है। सरकार के बढ़ते दायित्वों तथा कार्य क्षेत्रों में विस्तार के कारण केंद्रीय सचिवालय की महत्ता भी बढ़ी है। लोक सेवाओं तथा नौकरशाही की अच्छाइयां एवं बुराइयां इसमें परिव्याप्त है। केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों या विभागों का समेकित नाम है। इन मंत्रालयों या विभागों के अधीन कुछ कार्यकारी संस्थाएं जैसे निदेशालय है, मंडल है, आयोग है, संस्थान है, लोक उपक्रम है, ये कार्यरत होते हैं जो भौगोलिक तथा क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार राज्यों में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार की नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, इनके निर्माण और नियंत्रण में इस सचिवालय की प्रमुख भूमिका होती है। केंद्रीय सचिवालय के प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का सर्वोच्च पद राजनीतिक मंत्री द्वारा धारण किया जाता है तथा प्रशासनिक स्तर पर सचिव पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। सुविधार्थ प्रत्येक मंत्रालय को विभिन्न विभागों, खंडों, संभागों, अनुभागों में विभक्त किया जाता है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत शासन के प्रत्येक कार्य से संबंधित कोई न कोई विभाग कार्यरत है, चाहे वो विभाग राज्य सूची से संबंधित ही क्यों ना हो। सचिवालय नीति निर्माण का कार्य करता है जबकि क्रियान्वयन का कार्य कार्यकारी संस्थाओं को दिया जाता है। इसे द स्प्लिट सिस्टम नाम दिया गया है। द स्प्लिट सिस्टम दैट मीन्स पृथक्करण व्यवस्था कह सकते हैं, यानी सचिवालय पॉलिसी मेकिंग करता है जबकि इसका इम्प्लीमेंटेशन का कार्य सचिवालय के अंतर्गत जो कार्यकारी संस्थाएं जैसे निदेशालय है, बोर्ड है, आयोग है, कोई लोक उपक्रम, उनको दिया गया, इसलिए इसे द स्प्लिट सिस्टम नाम दिया गया है। और कतिपय अधिकारी पदों पर अभी भी अवधि प्रणाली यानी एक निश्चित अवधि तक कुछ अधिकारी जो है सचिवालय में कार्यरत रहते हैं, इसे अवधि प्रणाली कहा जाता है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्य प्रणाली की, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। देखिए, भारत सरकार के कार्यों को संपादित करने हेतु भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य निर्धारण नियम 1961 यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स निर्मित किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण किया जाता है, और भारत सरकार के मंत्रालय विभाग कार्यालयों का संचालन इन नियमों के अंतर्गत जो निश्चित किए गए विषय हैं उनके अनुसार होता है।
मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यरत है, जो केंद्रीय सचिवालय में परिवर्तन या संशोधन संबंधी प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कार्य करता है। सन 1961 में निर्मित इन नियमों के तहत अब तक इन मंत्रालयों, विभागों तथा कार्य आवंटन में विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जा चुके हैं।